हेलो एवरीवन, मैं आज अचारी पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने मसाले में लिया है खड़ा धनिया, जीरा, सरसों, सौंफ, लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना, गरम मसाला में मैंने गोल मिर्च और बड़ी इलायची और लौंग लिए हैं। बस इस मसाले को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। जैसे ही पैन गरम होगा तो मैं पहले धनिया, लाल मिर्च मैंने चार लिया है, जिसमें से दो को मैं मसाले में फ्राई करूँगी और दो को ग्रेवी के लिए रख रही हूँ। बस इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे धीमी आंच पर। इस अचारी पनीर की खासियत ये है, जिसमें इसमें हम लोग प्याज, अदरक, लहसुन कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, फिर भी इसका ग्रेवी इतना अच्छा और इतना टेस्टी बनेगा। जिसमें मैंने लिया है दो शिमला मिर्च, दो टमाटर और एक पाव मैंने पनीर लिया है। अब मैं थोड़ा सा मेथी दाना डाल रही हूँ मसाले में और ये बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची है, पाँच छः गोल मिर्च और दो तीन लौंग हैं, बस थोड़ा फ्लेवर के लिए। बस अच्छा सा भून लेंगे। जब तक थोड़ा सा सौंधा सौंधा खुशबू ना आ जाए मसाले में, तब तक उसे भूनेंगे। बस मसाला हो गया, मैंने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब मैं शिमला मिर्च काटूंगी। शिमला मिर्च का बीज को अलग कर देंगे। बिना प्याज अदरक लहसुन के भी इतना स्वादिष्ट और इतना अच्छा ग्रेवी वाला अचारी पनीर बनेगा, आप देखिएगा। बस शिमला मिर्च को कट करूंगी बड़ा बड़ा। वैसे शिमला मिर्च, टमाटर और पनीर को मैंने पनीर के क्यूब्स में काट ली हूँ। इस सबसे पहले पनीर को एक बॉल में लेंगे। पनीर को मैंने कट करके गर्म पानी में रख के दो मिनट के लिए उसे वॉश करके निकाला है। अब इसमें दही ऐड करेंगे पनीर में, मैरिनेट करके रखूँगी थोड़ी देर। तीन चम्मच मैंने दही लिया है। रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और मैंने इसमें डाला है दो चम्मच बेसन। अब नॉर्मली मसाला जो अपन घर में यूज़ करते हैं वही है मिर्ची, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। पनीर के हिसाब से नमक डालेंगे, अभी इसमें ऐड करेंगे। बस इसे अच्छे से मिक्स करके, अगर अदरक लहसुन प्याज वाला बना रहे हैं तो आप इसी में अदरक लहसुन ऐड कर देंगे हल्का सा। बस इसे अच्छे से मिक्स करके मैं 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। अब ये शिमला मिर्च और टमाटर की ग्रेवी बनेगी, उसे मैं ग्राइंड कर दूंगी मिक्सी में। ये देखिए, जो हम लोगों ने भुना था मसाला उसे मैं पीस ली हूँ। उसमें मैंने एक टेबलस्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ।
पैन में तेल डालूंगी। तेल आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑयली बनाना है तब थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालिए। आप इस स्टेज में बटर भी ऐड कर सकते हैं तेल के साथ, मैंने नहीं किया है। इसे तेल गर्म हो, मैं दो लाल मिर्च जो रखी थी पहले उसे ऐड कर रही हूँ तेल में। हल्का सा भूनूंगी उससे पहले, ताकि लाल मिर्च पहले फ्राई हो जाए। फ्लेवर के लिए पहले लाल मिर्च को पहले से गरम तेल में डाली है, फिर मैंने तीन हरी मिर्च ली है जिसे बारीक काट लिए हैं। ये पूरा ग्रेवी में अच्छा फ्लेवर देगा, इसलिए पहले लाल मिर्च और हरी मिर्च को फ्राई कर रही हूँ। जैसे ही लाल होता है, जो मसाला सूखा मसाला हम लोग ने पीस के रखा था उसे मैं ऐड कर रही हूँ तेल में। बहुत सारे मसाले की ज़रूरत है, जो घर में मसाले रहते हैं बस उसी से बना रही हूँ मैं इसे। बहुत टेस्टी है अचारी पनीर की रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे अच्छे से भूनूंगी थोड़ा, जैसे मसाला का खुशबू आ जाएगा तो ग्रेवी जो टमाटर और शिमला मिर्च का पीस के रखे थे उसे ऐड की हूँ मैं। ऐड करके मसाला को ग्रेवी तो जो मिक्सी में टमाटर और शिमला मिर्च को मैंने पीस के रखा था सॉरी स्किप हो गया है, बस उस मसाले जैसे ही रेडी हो उसके बाद मैं शिमला मिर्च टमाटर की प्यूरी डाली हूँ। उसे अच्छा सा जैसे भूनने के बाद अच्छा सा जैसे भून गया उसके बाद मैं पनीर जो मैरिनेट करके रखी थी उसे डाल रही हूँ। डाल के अच्छे से भुनेंगे। जैसे ही फ्राई होगा थोड़ा सा सूखा मसाला जो हम लोग पीसे थे उसे मैं थोड़ा सा रख दी हूँ ऊपर ग्रेवी में डालूंगी उसे। इससे इसका खुशबू और टेस्ट और खुशबू दोनों में बहुत निखर के आएगा स्वाद इसके। इसे मध्यम आंच पे अच्छे से भूनना है, उसके बाद नमक डाली हूँ स्वाद अनुसार। बहुत से क्विक से बनने वाली रेसिपी है शाही पनीर सॉरी अचारी पनीर। बस ये अच्छा सा भून चुका है, मैं जो पहले मसाला रखे थे सूखा हुआ उसे ऊपर से ऐड कर रही हूँ। बहुत सारा मसाला है नहीं है, बहुत सारा तामझाम नहीं है, बस जो सामान आपके घर में अवेलेबल होगा उसी से बन सकता है ये रेसिपी। आप इसे उपवास में भी खा सकते हैं फास्टिंग वगैरह में। अब थोड़ा सा पनीर मैंने रख दिया तो उसे मैंने कद्दूकस कर रहा है बारीक वाला चॉपर से, मैं कर रही हूँ उसे। आधा उसे अच्छे से किस लेंगे। और आधे को उसके हाफ को मैं रख दूंगी आधा। अब इसे मिक्स करेंगे इस फ्राई में, पनीर अचारी पनीर का जो फ्राई अभी रेडी हो रहा है इसमें ऊपर से, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद जो थोड़ा सा और ग्रेट करके रखी हूँ पनीर उसे ऊपर ऐड करेंगे इसके। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बस फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा बॉईल आ जाए सब्जी में। पानी
ग्रेवी के लिए डाल रही हूँ। आप ग्रेवी अपने हिसाब से कर रख सकते हैं, आपको कितना थिक चाहिए। अब मैं ये ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड करी हूँ। मेरी रेसिपी आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, स्वाद तो इसका बहुत ही बेहतरीन आया है। ये बॉईल के कारण, धुआं के कारण उसकी ग्रेवी अच्छे से नहीं दिख रहा, बाकी अच्छा, बहुत अच्छा कलर आया है एकदम। बस अभी ऑलमोस्ट हो ही गया है कंप्लीट। अब मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ, धनिया के कुछ पत्ते, बस आधा मिनट के लिए इसे भूनूंगी, और ताकि धनिया पत्ती जो ऐड की उसका फ्लेवर आ जाए अच्छे से। बस ये अचारी पनीर बन के रेडी है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे और भी कई सारे वीडियो मैं लाऊंगी। बस इसे मैं बोल में ऐड कर दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा और ग्रेट किया हुआ पनीर रखी थी मैं, इसे ऊपर से गार्निशिंग कर रही हूँ। गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप पनीर से करिए, या धनिया पत्ती के लीफ से करिए, या पुदीना से करिए, आपका स्वाद के हिसाब से। देखिए अचारी पनीर रेडी है, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी, झट से बनने वाली, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा। इसे मैं सर्व करूँगी अब।